हेल्थ परफेक्शनिज्म से। हर कोई अपनी सेहत को लेकर चिंता करता है, लेकिन जब ये चिंता हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो ये खुद एक बीमारी बन जाती है और इसे कहते हैं हेल्थ परफेक्शनिज्म। क्या हर छींक आपको किसी बड़ी और घातक बीमारी का अलार्म लगती है, या हर बार खांसी आने पर आपको टीबी जैसी बीमारी के बुरे सपने आने लगते हैं? क्या छींक आने के बाद आप अपना पूरा दिन इसी डर और बेचैनी में गुजार देते हैं कि कहीं आपको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई? अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको खुद में नजर आ रहा है तो हो सकते हैं आप हेल्थ परफेक्शनिस्ट, यानी आपको अपनी सेहत की फिक्र जरूरत से ज्यादा ही है। हेल्थ परफेक्शनिस्ट लोगों की आदत होती है कि जब भी उन्हें किसी बीमारी का शक होता है तो वो अपना इलाज खुद ही शुरू कर देते हैं, कोई न कोई दवा खाने लगते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों को सही वक्त पर मदद और सलाह नहीं मिलती है तो उनका शक यकीन में बदल जाता है और वो अपने आप को बीमार ही मानने लगते हैं। उनके दिन और रात डर और बेचैनी के आलम में गुजरते हैं। हर वक्त उन्हें अपनी सेहत की ही चिंता सताती रहती है। जब हमें एक ऑब्सेशन सा हो जाता है अपनी हेल्थ को लेके, जिसके अंदर या तो हम एक कंसर्न या एक वरी रखते हैं कि हमको कोई तकलीफ होने वाली है, या वी आर वेरी सर्टेन कि हमको ये तकलीफ हो गई है, इवन दो आर फिजिकल मेडिकल टेस्ट आर कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। दूसरी चीज होती है इसमें कि जब बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं उसको हम इंटरप्रेट कर देते हैं एज मेजर illnesses या serious problems. And third important thing is that ये involuntary होता है. That means जो health perfectionist इंसान होता है उसके हाथ में नहीं होता इन feelings को, इन anxieties को control करना, और ना चाहते हुए भी वो ऐसी feelings के साथ जीता रहता है जो उसको कई बार अपनी रोजमर्रा की दुनिया में interpersonal relationships में भी negatively relate करना शुरू हो जाता है। हेल्थ परफेक्शनिज्म की ये परेशानी इन दिनों बढ़ती ही जा रही है। इसकी एक वजह आम लोगों के पास बीमारियों की जानकारी इकट्ठा करने के आसान रास्तों का होना है। शहरों में रहने वाले लोग किसी बीमारी का नाम सुनते ही उसकी जानकारी के लिए इंटरनेट और किताबों को खंगालने लगते हैं। बीमारी के लक्षण जान लेने के बाद वो उसके लक्षण खुद में तलाशने लगते हैं और कोई भी लक्षण मिलने पर खुद ही इलाज भी शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों के सामने बस एक ही रास्ता बच जाता है और वो है डॉक्टर की मदद, और वो भी मानसिक रोग विशेषज्ञ की। मरीज अपनी परेशानी मनोवैज्ञानिक को बताकर कुछ राहत महसूस करते हैं। ऐसे में मरीज को अपनी कोशिश, डॉक्टर की सलाह, परिवार वालों का सहयोग और दवा इस बीमारी पर काबू पाने में मदद कर सकते हैं। रेगुलर काउंसलिंग के साथ और थोड़ा सा मेडिकल सपोर्ट के साथ ये सारी चीजें कम जरूर हो जाती है, और इसके साथ साथ फैमिली थेरेपी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इंसान के बाद उसकी फैमिली पे दिखना शुरू हो जाता है। हेल्थ परफेक्शनिज्म की बीमारी का इलाज कराने से पहले मरीज को इस बात का एहसास होना जरूरी है कि ये शारीरिक नहीं बल्कि एक मानसिक परेशानी है, और इसका इलाज आम डॉक्टर नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक ही कर सकते हैं। इसीलिए ऐसा होने पर खुद दवा दारू करने के बजाय किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक से मिले। सेहत के नाम पर बाजार में क्या नहीं बिकता, किसी भी चीज के आगे हेल्दी या फिर न्यूट्रिशियस लिख दीजिए और फिर देखिए।